गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय वैद्य और बहुत खुशी की बात है मेरे लिए क्योंकि आप सभी की बदौलत जो आपने प्यार दिया है, क्योंकि मैंने मेरे YouTube चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। अब मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है मेरा YouTube चैनल, बहुत जल्द आपके प्यार से वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, ये बात थी आप सबसे शेयर करने के लिए तो मैंने आपसे शेयर कर ली है। तो दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके सामने जिसमें दिवाली का जो सीज़न है वो आने वाला है और उसमें जो अहम भूमिका होती है दिवाली के सीज़न में वो होती है कुम्हारों की। तो कुम्हारों की एक छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए मैं लेके आ रहा हूँ जिसमें हम दिखाएंगे आपको कि जो दिवाली के जो दिए हैं वो उन्हें कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए मैंने दो जगहें सेलेक्ट की थी, एक जो नगरोटा बगवा के बहुत पास था मुमता गाँव, वहाँ पर कुम्हार की फैमिली है और वो बहुत सा काम करते हैं, और एक दूसरी जगह है सरा धर्मशाला के पास, वहाँ भी मैं गया था। और वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि 98 ईयर ओल्ड जो व्यक्ति हैं, जो वीडियो में आपको नज़र आएगा कि जो कुम्हार हैं और वो बर्तनों को कैसा रंग देते हैं वो आप देखिए वीडियो में और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर। दोस्तों, ये हैं चुनी लाल जी, जिनकी उम्र सुन के ही आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि इनकी उम्र है 96 ईयर ओल्ड हैं ये, और ये सराह निवासी हैं जो धर्मशाला से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। और इनके हाथों का जादू मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद देख रहे होंगे। तो ये इतना अच्छा काम करते हैं कि मैं तो इनके काम का बिल्कुल मुरीद हो गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आज हम हाजिर हैं आपको क्योंकि दिवाली का सीज़न जो है वो आने वाला है और हम चाहते हैं कि आपको दिखाएं कि जो दिए आप दिवाली में जलाते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है और इन्हें कहां कहां पे बनाया जाता है, उसके लिए क्या क्या मेहनत लगती है। तो आज हम पहुंच गए हैं नगरोटा बगवा के साथ लगते गांव मुमता में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो तो यहां पे हम जो आज पहुंचे हैं वो सुरेंद्र कुमार जो है मुमता से, उनकी यहां पे एक वर्कशॉप है जहां पे वो दिवाली के लिए दिए बनाते हैं और गर्मियों के लिए वो ठंडे पानी के लिए घड़े तैयार करते हैं। यहां पे छोटे छोटे जो कुछ भी जो मिट्टी का जो बनता है, जो सामान तैयार होता है, उसे यहाँ पे ये बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दिया जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको दिखाया कि ये जो दिए हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, पहले का जो चक होता था वो बहुत मतलब पुराना जो चक था वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सामने जो है ये चक है, जो पहले का चक जो वो सामने वो यूज़ करते थे, पर अब जो है वो आधुनिकता का युग आ गया है और जो कुम्हार हैं वो भी आधुनिकता की तरफ चले गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि अब जो चक है वो बहुत आधुनिक है, बिजली से चलने वाला है और इससे जो इंसान है वो थकता नहीं है। तो सुरेंद्र जी, आप हमें एक बात बताइए कि ये जो आप काम कर रहे हो ये कब से कर रहे हो? तीस पैंतीस साल से यही काम कर रहे हो? अच्छा, क्या क्या बनाते हो आप? मिट्टी घड़े घड़े से लेके सारे जो दाली दाली आटे होंगे बनते वो भी बनाते। अच्छा, तो सुरेंद्र कुमार जी का कहना कि ये मिट्टी के सब बर्तन बनाते हैं जिसमें जो दाल वगैरह उबाली जाती है साग के लिए, यहाँ तक कि चावल भी इन्हीं जो ये बर्तन जो मिट्टी के बनाए जाते हैं उन्हीं में बनाया जाता है। तो सुरेंद्र जी, अपने बारे में बताओ कि ये जो मिट्टी ये लाते हो आप, ये कहाँ से लेके आते हो? ये जड़ मिट्टी हम इस मिट्टी को जंगल से लाते हैं और 8-10 फीट का खर्चा देना पड़ता है। अच्छा, उसमें आदमी दब भी जाता है और मर भी जाता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई कभी हमारा भाई जो है ताए का लड़का, अच्छा, उसको खत्म हुए को हो गए कोई 25 साल। अच्छा, तकरीबन। अच्छा, वो खड्डा दिया था और खड्डा ऊपर से पूरा गिर गया और वो दब के खत्म हो गया। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि सुरेंद्र जी ने बताया कि ये जो काम है वो बहुत आसान भी नहीं है, बहुत ख़तरनाक है। कई बार इन खड्डों में जो जहाँ पे खड्डे मिट्टी के लिए बनाए जाते हैं उनमें जो इंसान है वो कई बार दब भी जाता है। इन्होंने बताया कि इनके चाचा का लड़का भी उसमें दब गया था, उसकी मौत हो गई, उसके छोटे छोटे बच्चे छूट गए उसका, तो फिर उनकी तो हालत ख़राब हो गई। अच्छा, तो कैसा रहता है सुरेंद्र जी दिवाली का सीज़न? दिवाली का सीज़न ये पेट हटाइए, चलो रोटी अपनी पूरी हो जाती है। अच्छा, और क्या, बाकी जंगल में जाते हैं और ये जो चीर होती है सुखी, अच्छा जी, उसकी जो चलोड़ लाते हैं तो उसी बारी उसमें शिक्कर जो होते हैं चलोड़, उसमें अंदर दांत
सांप के सांप भी बड़े होते हैं। अच्छा सांप होते हैं। हाँ सांप भी होते हैं। ओके। जो टाटरे होते हैं ना उसमें सांप भी निकलते हैं और अपनी जान को खतरा पड़ता है। तो दोस्तों सुरेंद्र कुमार ने बताया कि ये जो काम है वो इतना आसान नहीं है। इस काम के लिए पहले तो मिट्टी लानी पड़ती है जंगल से, उसके बाद इसे जो जब पकाया जाता है तो उसको पकाने के लिए जो चील के जो चिलोड़ हैं जिनकी जो आग होती है वो बड़ी धीमी धीमी सी आग होती है, इसलिए उन चिलोड़ों में जो चील के जो जिसे पाइन कहा जाता है, जो चील है उसे पाइन कहा जाता है, और उसके हाँ जो सूखी वगैरह होती है उनसे ये वो उनके जो छिलके होते हैं उनको ले आते हैं और उससे इनकी जो है सिकाई करते हैं, जिससे मीठी मीठी सी जो आग होती है मध्यम मध्यम सी उसमें अच्छे से पक जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? दिवाली ऐसे नहीं बनाई जाती है, बहुत मेहनत से बनाई जाती है। तो मेरा आप सभी दोस्तों से एक आग्रह रहेगा कि आधुनिकता की ओर भी जाइए, पर जो ये लोग जो बना रहे हैं चीज़ें उनका भी जरूर यूज़ कीजिए। ओके दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि इन्होंने बहुत सारे जो छोटे छोटे जो ये दिवाली के लिए जो यूज होते हैं इनको करुए बोला जाता है, वैसे मक्खियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। अब इसको क्या कर रहे हो आप? क्या लगे हो करने जी? रंग लगे करना। हाँ जी। ये किस लिए करते हैं रंग? सजावट के लिए। सजावट के लिए रंग। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि सजावट के लिए जो इन्हें रंग किया जा रहा है और इसके बाद इन्हें जो है वो पकाया जाएगा धीमी धीमी आके, और पकाने के बाद इनको अच्छा पहले उन्हें लिखाई करनी, लिखाने लिखने के बाद वो अच्छी लगती है ना। अच्छा करो वो। तो दोस्तों अब इसके ऊपर जो है ये इसको थोड़ा सा कलर करेंगे जिससे देखने के लिए वो अट्रैक्टिव सी लगती है, इसीलिए इसे रंग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसकी जो रंगाई का जो काम है वो शुरू हो गया है। आप देख रहे होंगे कि ये कलाकारी है वो अलग ही है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि जो मग्गी है जो जिसको बोलते हैं लोकल वाटर कूलर, जिसमें पानी बहुत ठंडा रहता है, गर्मियों में बहुत अच्छा जो है पानी इसमें रहता है, तो ये तैयारी होगी। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसने पकाया कैसे जाता है, कैसे तैयारी की जाती है पकाने की। देखते हुए ये जो है इनकी रंगाई कर दी गई है, बस अब ये पकने के लिए तैयार। मैंने बताया कि जैसे बर्तन जो बनाए जाते हैं उसके बाद उसको पकाने के लिए जो है वो ये विधि अपनाई जाती है, जिसमें चीड़ जो पाइन्स जैसे मैंने आपको बताया था उनके जो छिलके होते हैं उन्हें बिछाया जाता है, उसके ऊपर ये सारे जो तैयार किए हुए बर्तन होते हैं उन्हें रखा जाता है, और उसके बाद इसके ऊपर फिर चीड़ के जो ये जो छिलके हैं वो रखे जाते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर घास फूस जो भी है जो आप देख रहे हैं वो इसके ऊपर जिसे इसे ढक दिया जाता है, और उसके बाद इसे आग लगा दी जाती है। भाई ये कितना टाइम लगता है इसको बनने के लिए? जैसे जी 3 बजे लेकर 3 बजे हमने आग डाल दी तो सुबेरे 4-5 बजे तक ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा और बिल्कुल पक जाता है। बिल्कुल पक रह जाता है, कोई कच्चा भी कि नहीं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब पक जाते हैं। सब पक जाता है और उसके बाद फिर भेज दिए जाते हैं? हाँ जी हाँ जी, फिर इसको निकाला जाता है और फिर पैकिंग करके भेज दिया जाता है। अच्छा कि इसकी रंग रूंग भी करते हैं इसको कि नहीं? रंग भी करते हैं। अच्छा जो आप जलाते हैं वो ऐसे तैयार होते हैं, बहुत मुश्किलों से तैयार किया जाता है। तो मैं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी जो भी लोग हैं जो बाहर से जो दिए लेते हैं, तो मुझे लगता है जो विदेशी जो चाइना का माल यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है इन लोगों के जो बहुत मेहनत करते हैं जिनसे इनका गुजारा चलता है, तो प्लीज़ यही दिए लें और अपनी दिवाली भी सेलिब्रेट करें और इनकी दिवाली भी सेलिब्रेट करवाएँ। तो ओके दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ आप सभी से।